पक्के हरियाणा के सभी वीडियोस पाए सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। सुनीता जी, अगर हम बात करें, आपने लोकसभा चुनाव में तमाम वायदे किए थे, प्रायोरिटी पे आपने कुछ समस्याएं बताई थी लोगों की कि वो रहेगी, तो दोबारा से अगर मैं जानना चाहूँ तो वो समस्याएं क्या क्या हैं जो आप प्रायोरिटी से करने वाले हैं? देखो, सबसे पहले तो मेरी प्रायोरिटी ये है कि हमारी सिरसा लोकसभा के जो युवा हैं वो नशे से बाहर आए, और उसके लिए हम जो भी प्रयास होंगे वो करेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ का युवा जो है वो यहाँ के विकास में अपनी भागीदारी करे और नशे से जो है वो दूर आए। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी जो है वो ये रहेगी कि हम यहाँ को, इस एरिया को नशा मुक्त करें। सुनीता जी, जीत से पहले क्या आपको एक अनुमान था कि आप इतने बड़े मार्जिन से जीते? बिल्कुल था। हमने आपको, जब भी आपने पूछा, हमने कहा कि हम लाखों से जीतेंगे। बिल्कुल था कि जब भी हम लोगों के बीच में गए तो लोगों का ज़बरदस्त उत्साह है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनके मन में उनकी भावनाएं, उनका प्यार, और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने भी जो काम किए बिना ये देखे, बिना किसी भेदभाव के कि यहाँ से विधायक है या नहीं है, तो उससे हमें पूरा अनुमान था कि लाखों से जो है उनकी दर्द। लोकसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव का बहिष्कार भी किया था, आप वहाँ पे गए विजय आश्वासन देने के बाद, लोगों ने उनसे मतदान किया, तो उन लोगों की जो समस्या है उस पर क्या कुछ करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जो हमने कहा है, हमारी कथनी और करनी में कभी भी अंतर ना आया है ना आएगा, हमने जो कहा है वो बिल्कुल करेंगे। मैम, अगर मैं बात करूँ तो पूरे इलाके की समस्याओं की अगर मैं बात करूँ तो समस्याएं क्या क्या है रानिया? अगर देखिए, जो भी समस्याएं हमारे सामने आएंगी उनका हम निवारण जरूर करेंगे, सांसद होने के नाते, और यहाँ के जो लोकल ऑफिसर्स हैं उनसे जो भी सहयोग होना होगा उनसे वो सहयोग लेंगे और सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, क्या? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि इस उम्र में उनको चाहिए कि वो परमात्मा का नाम लें और जो उनके अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है, उनको वो साझा करें अपने परिवार से भी, और जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनके जो युवा, जो नए चेहरे आ रहे हैं उनके साथ भी करें। लेकिन वो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि उनका मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ चुका है, और उनको बहुत सख्त ज़रूरत है कि उनको तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाए, उनका इलाज करवाया जाए। विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या तैयारियाँ? बहुत तैयारियाँ जबरदस्त, जिस तरह का आप लोगों ने देखा स्थान जो है, पूरे 9 दिनों विधानसभाओं में हमने जीत दर्ज की है, तो मुझे पूरी उम्मीद है इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी कमल का परचम जो है वो पूरे 9 दिनों विधानसभाओं में भी लहराएगा। चलिए, शुक्रिया सुनीता जी बातचीत के लिए। तो यहाँ पे सुनीता दुग्गल का साफ तौर पे कहना है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करके एक बड़ी पार्टी जो होना सामने आई है, उसी प्रकार विधानसभा चुनाव में भी सुनीता दुग्गल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और शाम